बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ब्रेमिन और आप देख रहे हैं लबियाज़ाद टीवी। डी चौक में मौजूद हूं और जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद है किसी तालों की मुख्ताजी, वक्तन पोवक्तन आप एयर वाई पी देखते हैं और वक्तन वक्तन आप समा भी देखते हैं, कमर मुनव्वर साहब और ज़ुल्करनैन साहब, ज़ुल्करनैन खैदर साहब। सर, जानना चाहूँगा कि अमीन गंडापुर साहब लीड अमीन गंडापुर साहब करें या बुशरा बीवी व्हाटएवर, लेकिन बहरहाल काफिला कहाँ तक पहुँचा? देखें, काफ़िला तो इस वक्त 26 नंबर चौकी पे पहुंच चुका है और जो अभी तक इत्तला मौसूल हुई हैं वहाँ पर शेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और आपने बात की है गंडापुर की कि वो लीड कर रहे हैं या बुशरा बीबी, तो हकीकत ये है कि इस वक्त लीड अवाम कर रही है। उसकी वजह क्या है कि पीटीआई के कारकुनान इसलिए लीड कर रहे हैं कि अब उनको यकीन नहीं रहा उनकी लीडरशिप पर। वो कहते हैं कि सिर्फ हम बानी पीटीआई की बात पे यकीन रखते हैं, बाकी किसी की बात पे यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा कि फुटेज भी सामने आई होंगी, गंडापुर कहते हैं कि हम मुझे नमाज़ तो पढ़ने दे, तो वो तब भी उनको नहीं जाने देते, वज़ू के लिए जाने नहीं देते। ये इसका मतलब ये है कि उन्हें एतबार ही नहीं रहा उनकी लीडरशिप पर। तो यही मसाइल जो हैं वो पीटीआई को ये सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस वक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं 26 नंबर चुंगी पे, वहाँ जो है एक तसादम का माहौल जारी है। अब देखते हैं कि उसमें कौन जीतता है, क्योंकि सूरत हाल जो है जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि वो हालात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। कोशिश यही होनी चाहिए दोनों फरीकैन की कि ऐसी नहज पे हालात ना लेकर जाएं। आपको पता है कि वहाँ पे हकला इंटरचेंज के करीब भी जो हुआ उसमें 100 के करीब जो है पुलिस अहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, एक कांस्टेबल शहीद भी हो चुका है। तो दोनों तरफ से तो पाकिस्तानी है, तो नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों फरीकैन तामुल से का मुजाहरा करें और इस तमाम सूरत हाल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। कमर, आपकी रात के टाइम कमर की रोशनी की अशद ज़रूरत है, रोशनी डालिएगा। अच्छा, जो सूरत हाल ज़ुल्करनैन ने बताई है, मैं बिल्कुल इसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो अभी 26 नंबर चुंगी वाला रास्ता है वो वहाँ पर एक जंग चल रही है। रुकावटें जो ये अबूर करके आए हैं वो मुझे ये लगता है वो आसान रुकावटें थी। इनको सबसे बड़ी रुकावटों का जो अब सामना करना पड़ेगा वो इस्लामाबाद है, क्योंकि ऐलान ये किया गया था कि इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करना है डी चौक के अंदर। तो इसी लिहाज से जो रुकावटें खड़ी की गई हैं वो इसी तरह खड़ी की गई हैं। डी चौक, अब ये 26 नंबर चुंगी से आएंगे, गोलड़ा चौक है, गोलड़ा चौक से आगे आएंगे G10 है, G10 से आगे आएंगे फैसल एवेन्यू शुरू हो जाता है सेंटोरस के बाहर, वहाँ पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की गई हैं, उससे आगे आएंगे फिर कंटेनर्स हैं, फिर उससे आगे आएंगे तो डी चौक है। और आप देख रहे हैं नफरी 19,000 यहाँ पर पहुँची हुई है, सिंध से आई है, AJK से आई है, पंजाब कॉन्स्टेबलरी के लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब रेड जोन के अंदर रेंजर्स ने अपना चार्ज जो है वो संभाल ली है, रेड जोन के अंदर रेंजर्स मौजूद है, बाहर दूसरी नफरी है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मौजूद है कि आप साहबी से इसको सोर्सेस नहीं पूछ सकते हैं। मैं सोर्सेस नहीं पूछूंगा, लेकिन दोनों साहिबान के सोर्सेस बड़े कमाल के, और मैं इस सोर्सेस इनकी सोर्सेस के बदौलत मैं जानना चाहूंगा कि कंटेनर्स लगे हुए रास्ते बंद है, लेकिन बैरिस्टर सैब साहब और सॉरी बैरिस्टर सैब और बैरिस्टर गौहर अडियाला पहुँचते हैं, कंटेनर उबोर होते हैं या कंटेनर के दरमियान रास्ता दिया जाता है, कहानी क्या है? एस्टेब्लिश वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो हुकूमत क्या कर रही है फिर? हुकूमत वज़ीर दाखला था ना मुज़ाकरात में, तो वो दो लोग थे उनको इख्तियार दिया गया बानी पीटीआई से मुलाकात करें। बानी पीटीआई ने जो जवाब दिया है उस पर वज़ीर दाखला के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। तो अब मुज़ाकरात जो है अभी तक डेढ़ लाख बरकरार है, उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकला। उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी अना पे अड़े हुए हैं, दोनों लचक नहीं दिखा रहे, क्योंकि मुज़ाकरात जब भी होते हैं उस सूरत में कामयाब होते हैं जब दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। तो अब जब पीछे कोई नहीं हटेगा तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, तो दूसरा जो है वो सिर्फ फिर तसादम ही रह जाता है। तो अभी तक जो हालात हैं वो हम यही देख रहे हैं तसादम। कमर साहब, खान साहब चले जाएँगे KPK या अडियाला में रहेंगे? सवाल आपका ऐसा होना चाहिए था, खान साहब आ जाएंगे? खान साहब अगर आ गए, चलो सवाल यही कर लेते, खान साहब आ जाएंगे? देखें, जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जब ये एहतजाज शुरू हुआ ना तो हमें ये लग रहा था कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई मसला हो जाएगा और ये लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर हमने जब तैयारियाँ देखी, फिर हमने और इस चीज़ को पक्का कर लिया कि अब वो लोग नहीं आएंगे। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और इसमें वाइब्रेंटली लिखा हुआ था कि एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं है,
ठीक है, और आप आहनी हाथों से निमटे जिन्होंने यहाँ पर एहतजाज करना है उनसे, ताकि लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो फिर हमें और यकीन हो गया। लेकिन यकसर सूरत हाल फिर बदलना शुरू हो गई, वो लोग निकले, चार जगहों से काफ़िले निकले, आते जा रहे हैं, बड़ा अटक के ऊपर कहा जा रहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता अटक पुल क्रॉस कर सके, वो भी क्रॉस कर चुके हैं, अब वो 26 नंबर चुंगी पहुंच चुके हैं। लेकिन असली इम्तिहान जो है अली मिनगंडापुर हो, अली जदून हो, कोई भी हो, उनका यहाँ से शुरू होता है जब वो 26 नंबर चुंगी क्रॉस करेंगे। नाज़रीन, मैं बार बार इंटीरियर मिनिस्ट्री के इर्द गिर्द इसलिए रहता हूँ कि इस वक्त अगर मोहसिन नकवी साहब कहाँ पे है और क्या कर रहा है, ज़ुल्कर्नैन को पता है, कमर मुनव्वर को पता है, शेख रशीद हो, चौधरी निसार अली खान हो, इंटीरियर मिनिस्टर जो भी हो, इन दोनों साहिबान को बहूबी ख़बर होती है कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब अगर 127 दिन वाला धरना सामने रख दिया जाए, तो मोहसिन नकवी साहब चौधरी निसार अली खान वाला रोल अदा कर रहा है या मोहसिन नकवी साहब डिफरेंट है? नहीं, इनका रोल काफ़ी डिफरेंट है, वो चौधरी निसार साहब वाला रोल नहीं है उस वक्त, क्योंकि हालात भी हो। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते, ये भी बेबुनियाद खबरें हैं। देखें, सोशल मीडिया क्योंकि आपको वहाँ पे मुकम्मल आज़ादी होती है, आपको किसी से कोई चीज़ तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो जो आपके दिल दिमाग में है वो लिख दें, वो आ जाएगा। मास मीडिया का ये है कि आपने हर एंगल से चीज़ें देखनी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट आप बात करते हैं दो से, वहाँ से आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो तब जाके आप किसी हतमी नतीजे पे पहुँच जाते हैं। तो इस वक्त उनका किरदार मैं नहीं समझता कि वो उस अंदाज में कर सकते हैं कुछ भी है। चौधरी निसार एक बड़े ही इंतहाई सीनियर सियासतदान है, सुलझे हुए सियासतदान है, उनकी सियासत कुछ और अंदाज में थी। कमर साहब, चौधरी निसार अली खान और मोहसिन नकवी? मोहसिन नकवी को हम देख रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका होल्ड है, वो जिस तरह करके वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, मतलब पीटीआई को इंगेज करना, इसके बाद दोबारा जिसने ज़ुल्कर्नैन ने बताया कि मुज़ाकरात को की टेबल पे उन्हें वापस आना, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो साबिक सदर हैं हमारे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, और इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो तमाम लोगों ने दी पीटीआई के, कि अब वो मामलात गुजर गए, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब दोबारा उन्हें इस नहज पे ले आए हैं कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो कोई ना कोई हल निकल आए, तो अल्लाह करे। देखें, इस्लामाबाद के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ के लोग जो हैं ये डब्बे वाला दूध पीते हैं, डब्बे वाले दूध की कमी हो गई है, बहुत सारी दुकानों पर आपको दूध नहीं मिल रहा, बच्चे इधर ही हैं, स्कूल्स दो रोज़ से बंद हैं, आप मार्केट देखो तो ये तीन रोज़ से मार्केट्स बंद हैं, तो हालात बहुत अब किसी नेट पे चले। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा आप दोनों साहिबान से कि मार्केट्स बंद है, रोड्स बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस भी बंद है, लेकिन खान की पैनल कॉल चल रही है, पीछे कहानी क्या है? देखें, खान ना, उसकी जो कॉल चलती है ना, वो जहन से चल रही है, जो 10 सालों में पीछे जेन बनाया गया था ना, वो उसी को लेके लोग चल रहे हैं। आपने पहले कभी सुना था टीवी पे भी बैठ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेता था, लोग अब सरेआम खड़े होके वॉल चॉकिंग कर जाते हैं। तो ये 10 सालों की वो चीज़ थी खान की जो उसने समझा दी। अब लोग देखें ना, उसकी अली अमीन गंडापुर जो जिसको उन्होंने वोट दे के जलाया, वो उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे, उसको वो उसको एक्सप्लेन करना वाला, जिस तरह ज़ुल्कर्नैन अदर ने कहा कि मैं वजू करने जा रहा हूँ, भाई मैं मेरे साथ आ जाओ, वजू करके वापस आ जाऊँगा, वो खान की बात को मान रहे हैं। इनको अक्सर कहते हैं ये लीडर लेस हैं, अब इनके जहनों में लीडर है और वो इमरान खान है। ज़ुल्कर्नैन साहब, बुशरा बीबी का रोल कम अरसे में इतने पॉपुलर होना और फिर केपीके जाना और एक बड़े लाहौल लश्कर के साथ इस्लामाबाद की तरफ वापस आना, कैसे देखते हैं आप? देखें, ये एक ट्रेलर है, एक और ट्रेनिंग भी है। पहला जो है, आप ये देखें कि रिहाई के बाद वो आती हैं और इस दौरान खबरें भी चलाई जाती हैं, गंडापुर बुशरा बीबी की लड़ाई हो गई, ठीक है जी, और बुशरा बीबी ने गंडापुर का बटन जो है कमीज़ का वो भी तोड़ दिया, उसके बाद तरदीद आती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, फिर जो है वो नहीं आएगी, तहरीक इंसाफ की जानब से बयान चलाया जाता है, वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासत में नहीं आएगी, फिर आप देखते हैं अचानक से वो कंटेनर पे आ जाती हैं, वो लीड कर रही हैं इस वक्त, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पीटीआई की जितनी क़यादत थी, जितने भी इमरान खान के बाद मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए हैं, वो ये समझते हैं कि तमाम लीडरशिप हमारी कंप्रोमाइज है,
अब क्योंकि बुशरा बीबी उनकी अहलिया हैं, वो वही पैगाम पहुंचाएंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ खान का होगा, तो जिसकी वजह से लोग बुशरा बीबी के की बात पे यकीन भी कर रहे हैं। और अब तो ये भी बातें आ रही हैं कि जी, जो कि अभी तक जिसकी तस्दीक नहीं हुई, कि जी कहा गया है कि अब मुज़ाकरात करने हैं तो बुशरा बीबी से करने हैं, तो हुकूमत ने कहा जी हम बुशरा बीबी से मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें भी चल रही हैं जो अभी तक जिन बातों की तस्दीक नहीं हुई। बहरहाल जी, मैं समझता हूँ एक बड़ी एंट्री जो है वो आ गई है, इसी को मैं कहूँगा मरियम नवाज़ की तो ऐसा ऐसा एंट्री हुई थी, लेकिन बुशरा बीबी की जिस तरीके से एंट्री हुई है वो आपको बता। पीटीआई दोस्तों के लिए इंतहाई माजरत के साथ आप दोनों साहिबान से एक लाइटर मूड में एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा, बल्कि जानना चाहूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि इस बार अमीन गंडापुर साहब चैना चौक से केबीके हाउस जाएँगे या इधर आ जाएंगे? वो चले भी जाएँ आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, अगर वो चले जाएंगे तो लोग फिर भी यहां पर पहुंचे हुए होंगे, अगर उन्होंने आना है और वो रुकावटें अबूर करके इस वाली अमीन गंडापुर की बात नहीं सुनेंगे। कमर मुनावर और जुल्कर्नैन खैदर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।